भोजपुरी सिनेमा में सिंगर के तौर पर आने वाला हर व्यक्ति एक ना एक दिन स्टार बन ही जाता है। यहाँ तक कि इंडस्ट्री के पॉपुलर तीन चेहरे भी पहले सिंगर के तौर पर ही फेमस हुए, उसके बाद उन्हें लगातार फिल्में मिलने लगी। इन तीन हीरो में भी आपस में कई बार कॉम्पिटिशन होते हैं, अच्छी फिल्मों को लेकर, कभी कमाई को लेकर, कभी बॉडी को लेकर, तो कभी बॉक्स ऑफिस पर टकराव को लेकर। हर साल किसी एक हीरो का दबदबा बाकी के हीरो पर भारी पड़ता दिख जाता है। कोई साल पवन सिंह के नाम होता है तो कोई निरहुआ के नाम, लेकिन ये साल 2019 खेसारी के नाम हो चुका है। जी हाँ, इस साल के काफी महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस बार 2019 में जितने भी अवार्ड फंक्शन हुए, उस अवार्ड फंक्शन में खेसारी की फिल्मों को और खेसारी को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं। यहाँ तक कि 2019 में कमाई करने वाले, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले लिस्ट में जिस हीरो का नाम शामिल हुआ है वो भी खेसारी लाल यादव है। इस साल जिसके गाने सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहे वो भी खेसारी लाल यादव ही हैं। ये ताजुब है कि इस बार खेसारी ने खुद में इतने सारे बदलाव किए हैं कि फिल्म मेकर से लेकर दर्शकों का ध्यान भी उनकी तरफ खींचा चला गया। यही कारण है कि इस साल के सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्टार भी खेसारी लाल यादव ही है। यानी 2019 में बाकी के कलाकारों पर इस बार खेसारी लाल भारी पड़ते दिख रहे हैं। हाल ही में सबरंग अवार्ड आयोजित हुआ, जहां खेसारी लाल की काफी सारी फिल्मों को और खेसारी को बेस्ट कलाकार और बेस्ट सिंगर के लिए अवार्ड मिले थे। हालांकि आज कोलकाता में नेताजी इंदौर स्टेडियम में भी भोजपुरी सिनेमा एंड स्टेज 2019 अवार्ड का आयोजन किया गया है, जहां खेसारी लाल को कौन सा अवार्ड मिलेगा ये फिलहाल तय नहीं हो पाया है, लेकिन इस अवार्ड फंक्शन में खेसारी लाल स्टेज परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं। इस तरह से ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि 2019 में सबसे बेहतर कलाकार के रूप में खेसारी लाल का नाम सबसे ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज़ भोजपुरिया की रिपोर्ट।